तैयारियां हो रही हैं रथ यात्रा की जगन्नाथपुरी में, और भगवान एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं। तो जो एक मंदिर है जहां पर भगवान हमेशा रहते हैं पूरे साल के लिए, उस मंदिर का नाम है नीलाचल। तो नीलाचल में भगवान हमेशा रहते हैं, और वो नीलाचल से गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे कल। गुंडीचा मंदिर अगर आप कभी जगन्नाथपुरी में गए हो तो वो एक रोड है, स्ट्रेट रोड, और उस रोड पर कलपुरी रथ यात्रा निकलेगी। तो उस रथ यात्रा में भगवान जब जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उस दूसरे मंदिर का नाम है गुंडीचा। तो हम आज जानेंगे इस कथा के द्वारा कि किस प्रकार से जब हम अपने मंदिर को क्लीन करते हैं, तो मंदिर के साथ साथ हमें अपने हृदय को क्लीन करना आवश्यक है। और श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले जब इस संसार में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि किस प्रकार से हम सबको अपने हृदय के मंदिर को भी क्लीन करना है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयते रवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन। तो ये शिक्षाष्टकम का सबसे पहला श्लोक है। वहां पे शुरुआत होती है चेतो दर्पण मार्जन। हम सबको क्या करना है, अपने चित्त का मार्जन करना, क्योंकि इस चित्त में अभी बहुत सी डस्ट एक्यूमुलेटेड है। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते थे, तो चैतन्य महाप्रभु की भावना क्या होती थी, चैतन्य महाप्रभु के मन में विचार क्या चलता था, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नीलाचल में जगन्नाथ जी अपने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, और दूसरी तरफ गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मंदिर रिप्रेजेंट करता है भगवान के माधुर्य भाव को। एक है ऐश्वर्य भाव, दूसरा है माधुर्य भाव। ऐश्वर्य भाव का मतलब यह है कि भगवान जब कुरुक्षेत्र में होते हैं या भगवान द्वारका में, तो द्वारका या कुरुक्षेत्र में भगवान एक राजा के रूप में रहते हैं, एक किंग है वहां पर वो, और जब वो किंग के रूप में रहते हैं तो उनके साथ साथ उनके बहुत से योद्धा भी होते हैं, क्योंकि राजा है तो उनको फाइट भी करनी होगी, वो फाइट करने के लिए उनको उनके साथ बहुत सारे सहायक चाहिए। तो इसे किंग इसलिए बोलते हैं जगन्नाथ जी को, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जगन्नाथ वो इस पूरे विश्व के कंट्रोलर हैं, राजा हैं। तो वो किंग का रोल प्ले करते हैं ऐश्वर्य भाव में रहकर, जब वो नीलाचल में रहते हैं, नीलाचल मंदिर में। और जब वो गुंडीचा मंदिर में आते हैं, तो गुंडीचा मंदिर में वो एक ऑर्डिनरी बॉय का रोल प्ले करते हैं, एक साधारण बालक का रोल प्ले करते हैं। साधारण बालक मीन्स भगवान के साथ उनके कोई योद्धा नहीं होते, भगवान के साथ उनके मित्र होते हैं। कौन से मित्र? वो मित्र जिनके साथ भगवान मिट्टी खाते हैं, वो मित्र जिनके साथ भगवान माखन खाते हैं, और वो मित्र जिनके भगवान जिनकी झूठन को भी खाते हैं भगवान। तो फिर वो भगवान नहीं होते, फिर वो एक ऑर्डिनरी बॉय का रोल प्ले करते। तो ये एक अंतर है। और वहां पे भगवान के पास फ्लूट होती है, बांसुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान के पास बांसुरी नहीं होती। तो ये है ऐश्वर्य भाव एंड माधुर्य भाव। और चैतन्य महाप्रभु भगवान को अपने मन में विचार करते हैं, जब वो रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो वो लेके जाते हैं भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर, या द्वारका से वृंदावन की ओर, क्योंकि भगवान ने एक बार जब कंस को मार दिया, कंस को मारने के बाद भगवान वापस नहीं आए, भगवान चले गए, भगवान वृंदावन वापस नहीं आए। अब वृंदावन में ब्रजवासी थे, ब्रजवासी में गोप सखा, देन उसके बाद नंद बाबा, यशोदा माँ, देन उसके बाद गोपियां, एंड देन गोपियों के बाद फाइनली श्रीमती राधा रानी, वो सब भगवान का वेट करते रह गए। तो वो सब जब भगवान का वेट कर रहे थे, तो एक समय की बात थी जब भगवान द्वारका में रहते थे, तो उस समय एक सूर्य ग्रहण लगा। और जब सूर्य ग्रहण लगा तो द्वारका से भगवान
द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए। वो कुरुक्षेत्र में जब आए तो वहां पर वृंदावन वासी भी आए। वो वृंदावन वासियों ने भगवान से प्रार्थना करी कि अब आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। तो ये जो भगवान को खींचने का भाव है, जैसे कल आप सब रथ खींचेंगे, तो खींचने का भाव है कि हम भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर लेके जाने। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मन ही मन ये विचार कर रहे हैं जब वो जगन्नाथ जी के रथ को खींच कर लेके जा रहे हैं नीलांचल से गुंडीचा की ओर। तो ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हम सब भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं। हम भगवान को अपने हृदय की ओर खींच रहे हैं, हम भगवान को अपने हृदय की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि हे भगवान आप मेरे हृदय में आइए। अब आप कहेंगे कि भगवान तो हमारे हृदय में ऑलरेडी है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में ऑलरेडी हूं। तो भगवान हम सब जीवों के हृदय में हैं, बट अभी हमारा हृदय अनक्लीन है। हमने भगवान को अपने हृदय में विराजमान तो किया हुआ है, बट हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं है। ये उसी के समान है कि आप ने भगवान को कांटों पर बिठाया, क्योंकि ये जो डस्ट है हमारे शरीर में, मतलब हमारे हृदय में, ये कांटों के समान है। वो भगवान जो इस पूरे विश्व के स्वामी हैं, उनको वो कांटे चुभ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। तो गुंडीचा मार्जन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, गुंडीचा मार्जन मीन्स गुंडीचा जो कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है। और ये जो जगन्नाथ जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो विग्रह हैं उनकी पूजा ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है, वो सतयुग से चली आ रही है। और सबसे पहले नील माधव के विग्रह थे। नील माधव के विग्रह तो अंतर ध्यान हो गए थे, और जो राजा इंद्रद्युम्न थे उनको भगवान से बहुत ज्यादा सेपरेशन फील हो रही थी। और फिर नारद मुनि के आदेश पर, उनकी गाइडेंस में रहकर, उन्होंने जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा के विग्रह का निर्माण करवाया था, और सबसे पहले मंदिर बना था जगन्नाथपुरी में। और तब से आज तक जगन्नाथ जी की वर्षिप पूरे विश्व में होती है। इसका क्रेडिट श्रील प्रभुपाद को जाता है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो सेवा है अब वो पूरे विश्व में हो रही है। और ये शुरू हुई थी 1967 से सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। उससे पहले इंडिया में तो होती थी, बट इंडिया से बाहर नहीं होती थी। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का गुणगान कर दिया, और आज सब जगह इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो लक्ष्मी जी, जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, आप सबको पता होगा। 15 दिन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं, भगवान को तैयार कर दिया जाता है, उनके केवल जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं वो ही दर्शन कर सकते हैं। और फाइनली भगवान निकलते हैं, भगवान आज ही के दिन निकलते हैं दर्शन देने के लिए। तो आज भगवान दोबारा से दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, और वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वो कल के दिन रथ यात्रा है, तो आप सबके सामने जगन्नाथ जी दर्शन देने के लिए अभी उपस्थित हैं। लक्ष्मी जी की परमिशन लेके आते हैं, हालांकि वो भगवान है, पूरे विश्व के स्वामी है, बट अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उन्हें लक्ष्मी जी से परमिशन लेनी। फिर रथ पर बैठकर वो रथ पर सवार होकर निकलते हैं रथ यात्रा के लिए, जो कि आप कल सब मनाएंगे। तो जो गुंडीचा मंदिर है, जब रथ यात्रा एक मंदिर से शुरू होकर दूसरे मंदिर पर खत्म होती है, उसको बोलते हैं गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर पूरे साल
खाली रहता है, भगवान केवल कुछ समय के लिए उस मंदिर में रहता है। तो आज के दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने असिस्टेंट के साथ, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है परंतु फिर भी वो अपने असिस्टेंट्स के साथ उस मंदिर को क्लीन करते हैं। ये हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम सबको भी मंदिर को क्लीन करना है। और चैतन्य महाप्रभु के साथ जो असिस्टेंट्स थे वो भी क्लीनिंग कर रहे थे। तो जब वो लोग क्लीन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि ओके यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग की अभी आवश्यकता है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अगर कोई डिवोटी ठीक से क्लीन नहीं कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु उनको पर्सनली गाइड कर रहे थे कि किस प्रकार से क्लीनिंग होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक आचार्य का रोल होता है कि आचार्य सिखाता है। तो कई बार हमारे गुरुजन हमारे जीवन में इस प्रकार से हमें डांटते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो हमें बताते हैं कि नहीं, ये जो सेवा है इस प्रकार से नहीं होगी, ये सेवा इस प्रकार से होनी चाहिए। तो अगर हमें इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं सीनियर डिवोटी से तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अनुकूल है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे डिवोटी हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये आपका परम सौभाग्य है। इसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार कीजिए, कभी बुरा मत मानिए इस बात का, क्योंकि ये चीज आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगी, आपको आगे लेके जाएगी ये चीज। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से वो जो गुंडीचा मंदिर है उस गुंडीचा मंदिर की क्लीनिंग करवा रहे हैं। और भावना क्या है उस क्लीनिंग के पीछे? मंदिर की क्लीनिंग एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर है, उसके साथ साथ इंटरनल क्लीनिंग भी बहुत आवश्यक है, यानी कि हृदय की क्लीनिंग। तो एक तो होता है एक्शन और एक्शन के पीछे होता है एटीट्यूड। तो आप कार्य अपने जीवन में करते हैं, कार्य के साथ साथ उसके पीछे की विचारधारा क्या है, क्यों करना है वो कार्य, उससे होगा क्या, हमें उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप मंदिर को क्लीन कर रहे हैं या हम कोई भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि हम श्रवण क्यों कर रहे हैं। अगर हम कीर्तन कर रहे हैं तो हमें इस चीज का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हम कीर्तन क्यों कर रहे हैं, कीर्तन करने से होगा क्या, श्रवण करने से क्या होगा, जगन्नाथ जी के दर्शन करने से क्या होगा। ये सब चीजें आप अपने मन में रखिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भगवान के सामने हम झुककर भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? जब तक हमें क्यों नहीं पता होगा तो क्रिया तो होगी पर उस क्रिया का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो गुंडीचा ये जो क्लीनिंग है, गुंडीचा मार्जन, इससे हम ये शिक्षा सीखते हैं कि हमें एक्सटर्नल एक्शन के ऊपर केवल फोकस नहीं करना, एक्सटर्नल एक्शन के साथ साथ हमें इंटरनल एक्शन के ऊपर भी फोकस करना है। तो शिक्षास्त्र में आ रहा है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो संसार है ये क्या है, ये फॉरेस्ट में फायर के समान है, आग लगी हुई है इस संसार में। आप कहेंगे कौन सी आग लगी हुई है, हमें तो कोई आग नहीं दिख रही है, बट यहां पे आग लगी हुई है और उस आग में हम सब लोग जल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह एंड मत्सर, ये जो आग है ये दिखती नहीं है। इस आग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आग हमें दिखती नहीं है अपनी आंखों से, और क्योंकि हम इसको देख नहीं पाते हम इससे जल भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस आग से जल रहे हैं। और ये जो हरिनाम संकीर्तन है जिसको यहां पर डिवोटीज कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ये हरिनाम संकीर्तन क्या है? हरिनाम संकीर्तन वो बारिश के बादलों के समान है। बादल आ गए, बारिश आनी शुरू हो गई बहुत तेजी से। जब बारिश बहुत तेजी से आती है तो जंगल की आग को बुझाया जा सकता है, अदरवाइज आप कितनी भी फायर ब्रिगेड्स को बुला लो बट वो आग नहीं बुझेगी।
तो ये हरिनाम संकीर्तन क्या है? हरिनाम संकीर्तन उस आग को बुझाने का कार्य करता है। और दूसरी तरफ वो लक्ष्मी जी सिर्फ ये प्रॉमिस लेके निकले थे भगवान कि एक दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, मतलब कल रथ यात्रा है, परसों भगवान वापस अपने नीलाचल मंदिर में आ जाएंगे। परंतु भगवान पहुंचे नहीं वापस। अब लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी, लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, वो अपने असिस्टेंट्स के साथ पहुंच गई गुंडीचा मंदिर। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भगवान नहीं पहुंचे। और फिर वो खींच के भगवान को लेके आती, तो इस पूरे प्रोसेस में 8 दिन निकल जाते हैं। तो गुंडीचा मंदिर में भगवान रहते हैं 8 दिन के लिए, और फिर उसके बाद वापिस वो जो नीलाचल में मंदिर है, मेन मंदिर, उस मंदिर में भगवान को दोबारा से विराजमान किया जाता। जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ उस मंदिर को क्लीन कर रहे हैं, उस समय वो अपने कपड़े भी उतार के, मतलब जो उनका अंग वस्त्र होता है वो भी दे रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि सब जगह पूर्ण रूप से क्लीन हो जाए। तो इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के पीछे हमारी भावना यही है कि अल्टीमेटली हम बार 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 इस मंत्र का जप करते हैं, जिससे कि समय के साथ हमारा भी हृदय क्लीन हो जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो केवल क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्रिया के साथ साथ उस क्रिया को क्यों करना है उसके पीछे के विज्ञान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेतन चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान हम सबके हृदय में हमेशा रहते हैं और भगवान हमें उतना ही रिवील करेंगे जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो थियोरेटिकली हम इस फैक्ट को स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, बट प्रैक्टिकली हम इस चीज का अनुभव नहीं कर पाए। प्रैक्टिकल अनुभव के लिए हृदय की शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए चेतन दर्पण मार्जनम, सारा फोकस कृष्ण भावनामृत में, जितने भी हम कार्य करते हैं, जितनी भी सेवाएं हम करते हैं, कितना बड़ा ये उत्सव मनाया जा रहा है, इन सब का अल्टीमेट लक्ष्य है कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सबको अपने हृदय को शुद्ध करना है। अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान को देखने के लिए हमें ये चश्मा नहीं चाहिए। अभी ये चश्मा हटा दूं मैं तो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अगर हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा, फिर भगवान को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर हम भगवान को हर जगह, हर क्षण, हर वस्तु में और अपने हृदय में भी देख पाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी कृष्ण भावनामृत का विकास करना है। वो विकास जो है वो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे हमारा जब कृष्ण भावनामृत में विकास होता रहेगा तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम हर जगह भगवान को देख पाएंगे। इसलिए हम बात है ना, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, बहिर् नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा। भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। मैं जहां भी जाता हूं वहां पर नरसिंहदेव भगवान है। आपको केवल अपनी आंखों को विकसित करना है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में आता है, प्रेमांजन चक्षुर भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेम का अंजन अगर हमारी आंखों में होगा तो हम भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो वी आर नॉट एलिजिबल टू सी कृष्ण, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो हम सबको वो अंजन लगाना है। उस अंजन को लगाने के लिए विधि बहुत सरल है।
इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु की दया से बहुत सरल विधि का एक्सेस हम सब लोगों को मिल गया। वो विधि क्या है? दो चीजें हैं उसमें, बस दो चीजें हैं। एक है श्रवण, दूसरा है कीर्तन। वैसे नवदा भक्ति है उसमें नौ अलग अलग अंग हैं, पर उन नौ अंगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो ये दो अंग है, श्रवण करना है और भगवान का कीर्तन करना है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दोनों चीजों को करने का एक सु अवसर प्रदान किया गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते थे तो 7 संकीर्तन पार्टी वहां पर होती थी, अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते थे और उन अलग अलग ग्रुप्स में टोटल 14 मृदंग प्लेयर्स होते थे, 14 मृदंग वादक एक साथ मृदंग बजाते थे अलग अलग ग्रुप्स में। और जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में भाग लेते थे तो सारे जो अलग अलग 7 ग्रुप्स होते थे उन सभी ग्रुप्स में सबको लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक्सपेंड कर लेते थे 7 ग्रुप्स में और सबको लगता था कि केवल वो हमारे साथ है, केवल हम चैतन्य महाप्रभु के कुछ कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे। स्वरूप दामोदर, उनको समझ आता था कि ये क्या लीला चल रही है, किस प्रकार से भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। और भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते थे, राजा प्रताप रुद्र थे उस समय, राजा प्रताप रुद्र भगवान की इस विशेष भगवान की इस विशेष लीला को समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि संकीर्तन इतना मधुर होता था, भक्तों में इतना उत्साह होता था उस संकीर्तन को देख के, सबकी निगाह केवल चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, जगन्नाथ जी की भी निगाह चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो संकीर्तन एक बहुत बड़ा इवेंट है और कई बार हम देखते हैं विश्व भर में जब डिवोटी संकीर्तन निकालते हैं तो वो संकीर्तन इतने उत्साह से भरा होता है, सब डिवोटी उस संकीर्तन को देख के पूर्ण रूप से उत्साहित हो जाते हैं। कृष्ण महानामृत यही है, तो राजा प्रताप रुद्र भी उस चीज को देख के बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। उन्होंने जब रथ यात्रा उत्सव शुरू हुआ था तो उस समय उन्होंने क्लीनिंग करी थी, उन्होंने भी सड़क क्लीन किया था झाड़ू से, कल आपको भी अवसर मिलेगा क्लीन करने का। तो राजा ने क्लीन किया, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे पहले राजा, बट चैतन्य महाप्रभु इतने सोफेस्टिकेटेड रॉयल लोगों से नहीं मिलते थे, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने अलग अलग ट्रिक्स लगाई बट चैतन्य महाप्रभु वाज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट राजा प्रताप रुद्र। और फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को विटनेस किया कि किस प्रकार से दैन्य भाव से वो जो राजा है उड़ीसा के वो क्लीन कर रहे हैं सड़कों को, यानी कि उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी, सारी जो उनकी पोजीशन थी उन सारी पोजीशन को साइड रख दी, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस चीज से प्रभावित हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा दी राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने डायरेक्टली कृपा नहीं करी, इनडायरेक्टली कृपा। तो कई बार ऐसा होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में कि हमें जो हमारे गुरुजन होते हैं, वैष्णवजन होते हैं, वो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट कृपा करते हैं, हमेशा डायरेक्ट कृपा नहीं मिलती। तो कभी भी आपको वैष्णवों से नाराज नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी ने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, हो सकता है वो आपसे बात ना करें बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैष्णव आपके ऊपर कृपा नहीं करते, वैष्णव हमेशा भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इनडायरेक्टली राजा प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा की, भाषा के ऊपर भी अगर आप सिंसियरली भगवान की सेवा करेंगे तो आपके ऊपर भी जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा की कृपा होगी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की नितायते मनंदे।